तुझसे है दिल मुझे बताया भी नहीं गड़ी गड़ी। बस ऐसे ही बढ़िया लग रहा है। तुम लाओ फोटो फोटो क्लिक करेंगे, तुम्हारे फोटो फोटो क्लिक करूं हाँ। सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक इन अनदर व्लॉग भाई। सो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे भाई। आ गया मैं दोबारा अपनी फॉर्म में, क्योंकि अपनी फॉर्म एक और फॉर्म आ गई भाई वापस। तुम्हें पता ही है परी तो चली गई, खैर कोई बात नहीं यार। आप लोगों ने मुझे सोचा भी नहीं था भाई कि मेरे से अलावा भी आप लोग भी इतना प्यार करते होंगे परी को। बट सीरियसली यार, आप तो बहुत ज़्यादा लेवल का प्यार करते हो यार। थैंक यू सो मच, लव यू हो गया यार सबको। इतने सारे मैसेजेस वगैरह आए। बाकी बताओ यार कैसी लग रही है अपनी ड्यूक 250 भाई? इसका कुछ नाम बता दो मेरे को सोच के आज ही, ठीक है? कमेंट कर देना इंस्टाग्राम पे, बता देना क्या नाम रखूँ इसका। प्यारा सा नाम बता देना मेरे को, एक दो जो भी आपको बेटर लगे। एंड भाई हम सोच रहे हैं अभी ज़रा इसकी RG वगैरह आ जाए और पेपर वगैरह आ जाए, उसके बाद मतलब नंबर प्लेट वगैरह, उसके बाद ये ओनली वन इन उत्तराखंड बनवानी है भाई। अच्छा सा सजेस्ट करना फ़ोटो वगैरह, कौन सा प्रैप वगैरह करवाऊँ, उस पर क्या कराऊँ वो मेरे को बता देना, क्योंकि मुझे इसकी मॉडिफिकेशन के बारे में नहीं पता है। लेकिन हम अपनी यूनिक रखेंगे, जैसे हमारी परी की पहचान थी आशु यूके राइडर और नियॉन कलर और अलग ही लगती थी भाई। और ये भी उसी लेवल की बनवानी है, उसी तरह करनी है, तो एक बार मेरे को सजेस्ट कर देना थोड़ा सा। एंड थैंक यू अगेन, लव यू हो गया सबको। सो आज हम जा रहे हैं डिम्पल के पास। एंड आपको थंबनेल लेके पता ही चल गया ही होगा, अभी मैंने एक्चुअली आप लोगों को भी नहीं बताया था कि भाई मैं डिलीवरी ले रहा हूँ इसकी। मैंने किसी को भी नहीं बताया, स्टोरी तक नहीं डाली। जब मतलब जिस दिन घर आई बाइक, उससे नेक्स्ट डे मैंने स्टोरी डाली कि भाई मैं बाइक लेके आ गया हूँ। मतलब व्लॉग ही डाला था पूरा यार, आपने देख ही लिया होगा। और अभी मैंने मिरर उतार दिए थे। मिरर में इसकी बहन की आँख बहुत गंदी लगती है यार मेरे को, यार बाइकें यार बहुत ही गंदी लगती है। ओहो बड़ी प्यारी बाइक है, बस थोड़ा सा वाइब्रेशन है यार। ये सिंगल सिलेंडर है, वो फोर सिलेंडर है, तो आदत डालनी पड़ेगी भाई, अभी टाइम लगेगा। बाकी प्यार चाहिए बस तुम्हारा, और फिर फोर सिलेंडर आनी ही आनी है, बिल्कुल ही आनी है, कन्फर्म है भाई। बस तुम प्यार करो एंड थोड़ा ऊपर वाला मेरे को दे दे, तो उसके बाद तो तुम्हें फोर सिलेंडर का मज़ा दिलाएंगे। बाकी मेरे को कमेंट करके बताना नाम वगैरह। और अभी मैं जा रहा हूँ डिम्पल के पास सीधा, और रास्ते में हो सकता है मामा के पास जाऊँ, थोड़ा ड्रेस शायद लगवा लूँगा यार, मुँह मास सही करा लूँगा थोड़ा। सेकंड टाइम जा रहा हूँ भाई आज मिलने, तो देखते हैं कुछ उसको सरप्राइज़ देते हैं कि भाई हम अपनी ड्यूक लेके आ गए हैं। अभी पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। उसको तो मैंने ये बोला है तो मैं स्प्लेंडर से आऊँगा या स्कूटी से आऊँगा, अभी किसी को भी नहीं पता कि भाई मेरे पास ड्यूक है और मैं आज ड्यूक से आ रहा हूँ। और आज बहुत सारे ब्लॉग बनाने हैं, आज एनर्जी बिल्कुल नहीं है। मैं सुबह उठ गया था 5:30 बजे उठ जाता हूँ मतलब डेली नमाज़ पढ़ने के लिए, और उसके बाद फिर लुढ़क जाता हूँ, लेकिन आज लुढ़का नहीं भाई। आज मेरे को नींद ही नहीं आई पता नहीं क्यों। फिर मैंने सोचा यार क्या सोना, बस हम निकल जाएं भाई। निकल तो गया मैं, बट सीरियसली मेरी हालत हो रही है बहुत ज़्यादा डाउन। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। जिन भाई की बात मैं कर रहा था, इनका नाम है भाई व्यास। गाइस कैसे हो भाई? भाई के चैनल का नाम है, क्या नाम है भाई तुम्हारा? भाई अभी न्यू चैनल बनाया अजिंत्य व्यास नाम से। हाँ तो भाई सब्सक्राइब वाले चैनल के, उसमें मिल जाएगा। हाँ सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, बहुत बढ़िया लड़का है। जैसे मैं तारीफ कर रहा था भाई लड़के की, और देख सकते हो भाई बाल बाल देखो लड़के के। बाकी इधर ही रहे घर? अच्छा जस्ट नहीं फिर आऊँगा यार, अभी तो जरा ब्लॉग श्लॉग वापसी आते हुए देखते हैं, अभी तो ब्लॉग श्लॉग बनाना है, अभी जरा पहुँच जाऊँ देहरादून फटाफट से। चलो ठीक है फिर मिलते हैं शाम को अगर तो टाइम लगे। ठीक है ओके ओके। सो भाई मैं पहुँच गया था मामा के सैलून, बट आज है ट्यूसडे, मैं भूल ही गया था यार मामा और ईशान तो है ही नहीं, और सैलून देख सकते हो भाई बंद पड़ा है। अपने दो तीन कंजर है जो सो रहे थे भाई, मैंने उठाया जाके, मैंने कहा ये नेक्स्ट लेवल सीन है भाई। 10 बज गए लेकिन सैलून नहीं खोला, मामा को कॉल करूँगा, मैंने कहा मामा ये सो रहे हैं अभी तक। ओहो अभी यार सैलून तो आज कहीं भी खुले नहीं होंगे, क्योंकि आज है ट्यूसडे, तो समैक्सी हो गया है हर सीन। एक तो लीन बड़ी समैक्सी हो रही है, दूसरा भीड़ भीड़ में, और तीसरा तुम्हें बताइए CNG किट लगी हुई है इसमें। मतलब मजाक कर रहा हूँ, माइलेज बहुत बढ़िया है इसका उसके मुकाबले। सो यार मिलते हैं आपको सीधा डिम्पल के पास। दर्द तो बहुत है भैया। क्या भैया? ना दर्द कुछ नहीं है भैया, बिल्कुल सारे खत्म हो लिए जितने थे।
यार कह रहे हो भाई क्या बंदा, और मैं भी इसी स्कूटी पे खड़ा हो जाऊँ यहाँ पे, ऐसा लगा कि मैं स्कूटी पे पाऊँ। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ मतलब जहाँ पे उसकी लोकेशन है, और मैंने बाइक अपनी लगा दी गली के अंदर, कार के पीछे गली है तो वहीं पे लगा दी। थोड़ा सरप्राइज़ देंगे, देखते हैं कैसा लगता है उनको सरप्राइज़। तो वही अभी बोलूँगा, मैंने कहा ये बताओ स्कूटी से चलना है या फिर मतलब स्प्लेंडर भी खड़ी है, स्प्लेंडर से चले, स्प्लेंडर लेके आओ स्कूटी जानने वालों की, ऐसे कुछ बोलूँगा थोड़ा सा प्रैंक श्रैंक हो जाएगा। और अभी पता नहीं यार कहाँ है यार ये, अभी मैं छाऊँ में इधर खड़ा हो जाऊँ जरा। ओहो बड़ा जंगलों वाला रास्ता है यार इधर देहरादून, मैं कह रहा हूँ पूरे एक हफ्ते में भी नहीं घूम सकता मैं नई नई चीज़ें देखता हूँ, इतने दिन से देहरादून आ रहा हूँ, हर बार नया। ये तो यहीं से निकल के आ रही है, ओ भाई मारो मुझे मारो। कैसे हो, मुझे लगा तुम वो तुम्हारा घर उस गली में है, मैं इसलिए छाऊँ में आ गया आगे को। ये बताओ स्कूटी भी है, ये किसकी है स्कूटी? अच्छा मैं कह रहा हूँ स्कूटी भी है और स्प्लेंडर भी है, कौन से बाइक कौन से पे चलना? जैसी मर्जी मम्मी की स्कूटी उठा लो फिर। अच्छा। चलो यार प्लीज़, मैं इस गली में घुस गया था। और बताओ आ तो स्प्लेंडर पे बनेंगे व्लॉग डिम्पू, कैसे हो? जैसे दिख रहे हो गंदे दिख रहे हो यार, तुझसे है दिल। भाई मुझे बताया अभी नहीं। लो भाई लो, लो भाई मालकिन। लो हाँ तो फिर चाबी क्यों ली? बिना बात। कैसा लगा सरप्राइज? नाइस पक्का? तुम्हें था कि ऐसा कुछ होगा? ओ भाई, और पता है एक चीज़ मैं तुम्हें और बताऊँ। मुझे लगा तुम्हारा घर आगे होगा, जिस स्कूटी में खड़ा था ना, मैं बोल रहा हूँ डिंपल को बोलूँगा इस स्कूटी पे चलो, ये स्कूटी जानने वालों की है और यहाँ की स्प्लेंडर खड़ी है उस पे चलो, मुझे क्या पता तुम्हारी मम्मी की है। कब ली ये रात लाए हम, तभी तो बोल रहा था कुछ स्पेशल है, सहारनपुर गया हुआ था मैं, मैंने कहा यार सरप्राइज ही दूंगा, ऐसे नहीं बताएगा। और बताओ फिर कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? कोई दर्द वर्द तो नहीं है? दर्द वर्द की दवा दे रहे हैं बैठे हैं, दर्द वगैरह तो नहीं है? कोई दर्द की दवा दे रहे हैं? मैंने तो कह दिया भैया मेरे तो मिट गए सारे। ओहो इधर से तो बंद करके ही चली जाएगी भाई, तेल बच जाएगा इधर से। खैर तो भाई अभी यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं आगे का क्या प्लान है। और बड़ा मज़ा आ गया यार, बड़ा अच्छा लगा सरप्राइज। तो भाई मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ उधर के रास्ते, बड़ी मैक्सी रोड है यार। गाड़ी रोको जरा मैं बैठ के देखूं। गाड़ी रोकनी है? बैठ के देखोगे चलाओगे? अभी अभी हाँ वो पहले पैर ही आ जाए तुम्हारे, भाई छोटी सी है यार। भाई बाइक लेने से पहले मतलब हम, मैं देहरादून आया था तो हमने सब ट्राई किया था, MT वगैरह सब चीज़ ट्राई की थी, बट यहाँ इनके पैर ही नहीं आते यार कहीं पे, इस पे तो आएंगे ही नहीं, इस पे तो मेरे ही नहीं आ रही सही से। पापा कह रहे कितनी ऊंची है भाई। तो मेरे बस ऐसे ही बढ़िया लग रहा है, तुम लाओ फोटो वोटो क्लिक करेंगे, तुम्हारे फोटो वोटो क्लिक करूँ? हाँ भाई मारो मुझे मारो। एक बहुत है। एक हाँ एक पैर आ जाए बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी तो स्टार्टिंग में एक से ही चलाता था। अरे रुको, बड़े समैक्सी लग रहे हो यार, प्यारे लग रहे हो बड़े। ये मुंह से ये उतारो, मुंह से मास्क उतारो। मास्क बोला मैंने? पकड़ो। मैं नहीं पकड़ रहा अपना आप। ओ भाई सही में जरूरत नहीं है, सही में क्या कह दो कि जरूरत नहीं है, एक बार बहुत जरूरत है। हाँ ये हुई ना बात। सो भाई अभी देखते हैं क्या प्लान बन रहा है आगे का। अब मैं ज़रा व्लॉग की लेंथ देख लूँ कितनी हो गई, वरना फिर अब नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। बाकी सब मैक्स ही लग रही है, नहीं लग रही है, इधर तो कब्जा हो गया भाई ड्यूक पे पूरा। ये रोड किधर जा रहा है? राजपुर। सो भाई अभी ज़रा मैं लेंथ चेक कर लूँ, वरना व्लॉग का एंड कर देंगे थोड़ा सा आगे। सो भाई व्लॉग की लेंथ हो गई बहुत बड़ी, और मैडम ने फोटो वोटो शूट करा लिया, ठीक है अपनी मैंने एक फ़ोटो नहीं ली, और इनकी फ़ोटो ले लो भाई, सेव लो अपना।
तो अभी निकल रहे हैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए। सो ये व्लॉग बनना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैम को इसका मतलब व्लॉग का तो मेन पर्पस यही था कि मैम को एक सरप्राइज देना था। और एक बार और पूछ लेते हैं कैसा लगा सरप्राइज। हैं अब कह रही है दावत चाहिए मुझे भी, कह रही है मैं घर से कुछ खा के नहीं आई हूँ इसीलिए। कह रही ये भी किस्मत बड़ी होगी, आज मैं कुछ खा के नहीं दबा के खाऊंगी, आज कम से कम 10-12 रोटियां तो खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, बिल तो बनवाओगे ही भाई तुम। सो हाँ जी सब्सक्राइब करने को कहते हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। परी बिक गई यार, सब्सक्राइब परी बिक गई यार। सच में बहुत लोग ये कह रहा, भाई ने ये कह रहा कि यार अब खाना कैसे खाऊंगा मैं, उसको देख के खाना। मैंने कहा यार इतना प्यार क्या ही बताऊं भाई, थैंक यू सो मच, लव यू हो गया यार सबको। सब्सक्राइब 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 कर देना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।